लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन चांदी का बर्तन खरीदना शुभ माना गया है, लेकिन वस्तुतः यह धनतेरस का पर्व जो है यह यमराज के निमित्त है। यमराज के निमित्त सायंकाल को घर के दरवाजे पर तेल का दीपक जलावे, कोई पात्र ले लें, उसमें चावल भर लें और उस पर फिर दीपक रखकर दक्षिणा भी मुँह, यदि दीपक जलाते हैं अर्थात दीपक दान करते हैं तो जान लें कि घर में किसी की भी अल्पायु मृत्यु नहीं होगी, यानी कम आयु में। स्वयं यमराज ने अपने दूतों को भी यह बताया है कि जो लोग मेरे निमित्त धनतेरस के दिन पूजन करेंगे, दीपदान करेंगे, उनके यहाँ लोग अल्पायु नहीं होंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, सूर्यास्त होते ही आप घर के द्वार पर यानी दहली पर दीपदान अवश्य करें। गुरु जी, धनतेरस पर विशेष क्या समय होगा पूजन का, और खरीदने की भी चीज़ें कुछ वक्त होती हैं क्या इसके लिए? बिल्कुल, वास्तव में त्रयोदशी तिथि में ही धनतेरस का मान्य होता है, तो सूर्यास्त से लेकर रात्रि को 9 बजे तक त्रयोदशी तिथि का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में यदि हम कोई पात्र खरीदते हैं, चांदी सोना का या स्टील जो भी लोग खरीद सके, तो शुभ माना जाएगा। इसी काल में यानी सूर्यास्त से लेकर रात्रि को 9 बजे तक में यदि हम घर की पूजन कर लें धनतेरस के निमित्त, तो सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। आज ही धन्वंतरी का जन्मोत्सव भी है, समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी सभी औषधियों को एक कलश में भर कर उत्पन्न हुए थे। वैद्य समाज इनकी विधिवत पूजन करता है, और जो लोग धन्वंतरी के निमित्त पूजन पाठ करते हैं वो आरोग्य सुख का लाभ लेते हैं। क्या बात गुरु जी ऐसी होती है जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए इस दौरान, इस दिन पर विशेष क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम धनतेरस के दिन अपनी आवश्यकता के अनुसार या सामर्थ्य के अनुसार कोई नया चीज खरीदने का विधान है, इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। क्या न करें, यानी उस दिन पुराने बर्तन में जो पहले का रखा हुआ बर्तन है जो आप यूज कर रहे हैं उसमें भगवान को मिष्ठान न चढ़ावें, बल्कि नया पात्र ले लें, या किसी भी धातु का हो, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही कोई चीज़ आदमी खरीद पाता है, उसी धातु के बर्तन में आप भगवान को मिष्ठान चढ़ावें या खीर चढ़ा दें तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कोई विशेष मंत्र भी है लक्ष्मी जी के या धन्वंतरी जी के ध्यानार्थ? जी बिल्कुल, वास्तव में दीपावली से लेकर जो 5 दिन का समय होता है उसमें लक्ष्मी जी की पूजन करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी का आगमन तो सर्वाधिक अच्छा माना गया है। ओम लक्ष्मय नमः या ओम श्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ओम महालक्ष्मय नमः, इस मंत्र का जप करें।